आर्मेनिया के अंदर भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होने के तुरंत बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक और बड़ी डील साइन करके पाकिस्तान और अजरबैजान में हड़कंप मचा दिया है। और भारत की तरफ से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अजरबैजान ने भारत को एक बड़ी धमकी देते हुए कहा था कि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो भारत के हथियारों को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। अब अजरबैजान की इसी धमकी के बाद भारत ने आर्मेनिया के साथ दुनिया की सबसे एडवांस ATAGS तोपों की एक बड़ी डील साइन की है, क्योंकि दुनिया की ये वो तोपे हैं जिन्हें अजरबैजान की सेना छू भी नहीं पाएगी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि जब से नोर्गोनो काराबख में अजरबैजान के सामने आर्मेनिया ने हार मानी है, तभी से आर्मेनिया अंधाधुंध तरीके से भारत और फ्रांस के साथ मिलकर हथियारों की खरीदारी कर रहा है। उनमें चाहे पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर होवित्ज़र तोपों के साथ साथ अब ATAGS की डील हो। और अब जल्द ही आर्मेनिया भारत या फ्रांस में से किसी एक देश से राफेल या तेजस जैसे फाइटर जेटों को खरीद सकता है जो अजरबैजान की एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि आर्मेनिया के हथियारों की अंधाधुंध डील को देखते हुए अजरबैजान भी अपने पड़ोसी कंगाल देशों से हथियारों की बड़ी बड़ी डीलें साइन कर रहा है, फिर वो चाहे टर्की हो या फिर पाकिस्तान। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए, उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर आर्मेनिया को मिलने वाली ये तोपें अजरबैजान के लिए खतरनाक क्यों हैं। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि अजरबैजान के साथ तनाव के बीच आर्मेनिया ने भारत को एक बड़ा तोपों का ऑर्डर दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये वो तोपें हैं जो अभी तक भारतीय सेनाओं को भी नहीं मिल पाई, क्योंकि इन तोपों के सभी परीक्षण कंप्लीट हो चुके हैं और भारतीय सेना ने भी एक बड़ा ऑर्डर इन तोपों का दे दिया है। दरअसल ये तोपे यानी कि ATAGS, जिन्हें एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी कहा जाता है, दरअसल ये तोपे अपनी श्रेणी की सबसे ताकतवर तोपे मानी जाती हैं। और इन तोपों को भारत की कंपनी DRDO, भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया है। और इन तोपों को सबसे बड़ा कारण चाइना और पाकिस्तान है, जिनके साथ भारत ऊंचाई वाले इलाकों में एक बड़ा ऑर्डर शेयर करता है। इसलिए भारतीय सेना ने भी चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तकरीबन 310 तोपों का एक बड़ा ऑर्डर दिया है, क्योंकि इन तोपों को आसानी से ऊंचाई वाले इलाकों में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और इन तोपों की रेंज तकरीबन 60 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो 60 सेकंड में 5 जबकि 60 मिनट में 60 फायर करने में माहिर हैं। और भारत की तरफ से इन तोपों का परीक्षण हर क्षेत्र में किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेना पहले ही इन तोपों का पोखरण, वालाशोर और सिक्किम में -15 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में परीक्षण कर चुकी है। और ये तोपे किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, जो अजरबैजान की सेना की कुछ ही मिनटों में धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखती है। भारत की इन तोपों के सामने दुश्मन का कोई भी हथियार टिक नहीं पाएगा, इसलिए आर्मेनिया ने भारत की इन तोपों को खरीदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।